हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी में समास देखने वाले हैं, जो कि शानदार ट्रिक्स के साथ देखे चलेंगे। वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी मैं आपको बताऊं उसको अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से उसको समझ के चलना। आपके समास के लगभग सारे क्वेश्चन ही सही हो जाएंगे। छोटा सा ये वीडियो है जिसमें आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी करे, एलडीसी की तैयारी करे, उनके लिए मैं बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। आप डेनियल क्लासेस की ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज होगी। तो जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। ऐप से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लें। जल्द ही आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। हम होली पर आपके लिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी की जो तैयारी करें वो और अच्छे से तैयारी करें। अब हम समास देखने वाले हैं और समास हम शानदार ट्रिक्स के साथ सब कुछ कवर करके चलेंगे। दोस्तों, आपको समास में ध्यान क्या रखना है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो तो सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। समास को आगे से बोल सकते हैं संक्षिप्त, इसका मतलब होता है मतलब छोटा करना। जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, लंबा है उधर जिसका लंबोदर, तो यहाँ पे लंबोदर समास हो गया। समास में और संधि में डिफरेंस होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। संधि हम दो वर्णों के परस्पर मेल को कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे समास के भेद की। तो नॉर्मली समास के छह प्रकार होते हैं। समास के नॉर्मली आपको छह प्रकार ध्यान रखने हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये छह प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है, अर्थात वो उपसर्ग होता है। काफी आसान है, बस इतना ध्यान रखना कि प्रथम पद अव्यय होगा अर्थात उपसर्ग होगा। जैसे प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति इम्पोर्टेंट है, मतलब पहला पद प्रधान भी है, पहला पद इम्पोर्टेंट भी है। प्रतिदिन, यथासंभव, यथासंभव, तो ये यथा वाला जो पद है, पहला पद है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यथासंभव, प्रतिदिन, इस तरह के यहाँ पे सेंटेंस बनते हैं। अव्ययीभाव समास में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो वो भी अव्ययीभाव समास ही है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, इस तरह के सेंटेंस भी अव्ययीभाव समास में बनते हैं। हाथों हाथ, दिनों दिन, साफ साथ, लूटम लूट, इस तरह के सेंटेंस भी हम अव्ययीभाव समास में लेकर चलेंगे। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, आपके समास गलत नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में बस इतना ध्यान रखना है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें जो कारक चिन्ह लगेंगे उनका लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का यहाँ पर लोप हो जाता है। जैसे जल की धारा, जल की धारा, उसको हम बोलेंगे जल धारा, जल धारा यहाँ पे बनेगा। जल धारा में जल इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे धारा इम्पोर्टेंट है। जल की धारा, धारा अर्थात यहाँ पे दूसरा पद इम्पोर्टेंट होगा। राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार। शिवालय, शिव का आलय, शिवालय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। तत्पुरुष समास के भी छह भेद होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बचपन में हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ते थे कर्ता ने, तो यहाँ पे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, तो ये इसके भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। काफी आसान होते हैं, आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। नॉर्मली कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसको तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जाता है। अब आप पहचानोगे कैसे कि ये कर्मधारय समास है? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको सेंटेंस में मिल गया है जो या के समान, है जो या के समान मिल जाए तो मान लेना यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जैसे मैं आपको सेंटेंस बताता हूं, अंधभक्त, अंधभक्त, अंधा है जो भक्त, है जो मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे कर्मधारय समास होगा।
अल्पाहार, अल्प है जो आहार, अल्पाहार यहाँ पे भी है जो मिल गया। चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान आपको मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष है जो, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है। जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान रखना, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। द्विगु समास की उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। द्विगु, द्विगुणा, बस इतना ध्यान रखना, द्विगुणा अर्थात यहाँ पे संख्या आएगी, द्विगु समास में संख्या आएगी। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह है, दुराहा, दो राहों का समूह है, तिरंगा, तीन रंगों का समूह है, त्रिकोण, तीन कोणों का समूह है। तो जहां पे संख्या आ जाए उसका मतलब होगा यहाँ पे द्विगु समास होगा। काफी आसान है, आप एग्जाम्पल्स करके देखना, आपके सारे सही होंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं द्वंद समास के बारे में। इसमें दोस्तों दोनों ही पद प्रधान होते हैं और आपको यहाँ वाक्य में और, या, अथवा, तथा ये सब देखने को मिलेंगे। जैसे दिन रात, दिन और रात, दिन रात, दिन और रात। आय व्यय, आय और व्यय। देश विदेश, देश और विदेश। दूध रोटी, दूध और रोटी। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह से देखने को मिल जाए तो मान लेना द्वंद समास है, काफी आसान भी होता है। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास काफी इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इसी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गणेश जी की, तो जहां पे तीसरा ही अर्थ निकले वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विष्णु की, तो जहां तीसरा ही अर्थ निकले वहां पे बहुव्रीहि समास आएगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आपके द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय तीनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है इसका तीनों ही आंसर हो सकते हैं, तो आपको वहां बहुव्रीहि ही करना है। और नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछा गया है चार भुजाओं के क्षेत्र वाला आयत, चार भुजाओं के क्षेत्र वाला आयत, तो यहाँ पे आंसर हमारा द्विगु समास हो जाएगा। आपसे पूछा गया है चार हैं भुजाएं जिसके, यहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास करना है। जैसे मान लो आपसे पूछा गया है, सेंटेंस आपको दिया गया है, अनिल आजकल में आने वाला है, अनिल आजकल में आने वाला है, आजकल में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आजकल का मतलब हो गया आज या कल, तो यहाँ पे द्वंद समास हो जाएगा। आपसे पूछा गया मान लो सेंटेंस में, आजकल के लड़कों में नया काम करने का बहुत साहस है, आजकल के लड़कों में नया काम करने का बहुत साहस है, आजकल का मतलब हो गया आजकल जो 15, 20, 25 साल के जो लड़के हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ध्यान रखना है आपसे पूछा गया क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अब मैं आपको दो तीन क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप उसका आंसर भी बताना कि इसका आंसर क्या होगा। नील गाय में कौन सा समास है, आपको बताना है नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय, नीली है जो गाय, है जो या के समान, मैंने आपको बताया था कि जहां है जो या के समान का अर्थ निकले वहां पे कर्मधारय समास होगा। नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न, नौ, जहां पे संख्या आ जाए तो संख्या आएगी तो कौन सा समास होगा, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, कौन सा द्वंद समास का उदाहरण नहीं है, पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपके जो भी फ्रेंड है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको आप वीडियो दिख से दिख शेयर करें, वीडियो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।